नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। और वक्त हो चुका है सुबह के कुछ ताजा तरीन खबरों की। कर्नाटक में येदुरप्पा सरकार के विश्वास मत हासिल करने के बाद स्पीकर केआर रमेश ने इस्तीफा दे दिया था और अब माना जा रहा है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता केजी बोपैया उनकी जगह लेंगे। ऐसे में अब उम्मीद है कि आज बोपैया को विधानसभा अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। आपको बता दें कि अगर ऐसा होता है तो यह दूसरी बार होगा जब बोपैया विधानसभा अध्यक्ष बनेंगे। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक 2019 के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर आज देश भर में डॉक्टर हड़ताल कर रहे हैं, जिसके तहत सुबह 6 बजे से कल सुबह 6 बजे तक ओपीडी सेवाएं बंद रहेंगी। इसके साथ ही छात्रों की कक्षाओं का बहिष्कार भी किया जाएगा। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि नौकरियों में कटौती को लेकर उसकी कोई योजना नहीं है और नियमित कामकाज की समीक्षा के लिए जोनल कार्यालयों को पत्र भेजे गए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले इस बात की खबर आई थी कि रेलवे बड़े पैमाने पर छंटनी करने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों को आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 10% आरक्षण देने की याचिका पर आज सुनवाई करेगा। इससे पहले कल भी कोर्ट ने इस मुद्दे पर सुनवाई किया था। आपको बता दें कि मोदी सरकार के गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देने के फैसले कई संगठनों ने चुनौती दिया था। जम्मू कश्मीर के गवर्नर सतपाल मलिक ने राज्य को भारत का अभिन्न अंग बताते हुए कहा कि कश्मीर में राज करने वाले लोग यहाँ के लोगों को सपने दिखाते रहे हैं, जिससे एक बार तो मेरे सॉल वाले ने भी मुझसे पूछा था कि क्या हम आजाद हो जाएंगे। मैंने उन्हें कहा कि तुम आजाद ही हो, लेकिन अगर तुम पाकिस्तान जाने को आजादी समझते हो तो चले जाओ, लेकिन हिंदुस्तान छोड़कर कहीं और आजादी नहीं मिलेगी। मोदी सरकार ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए लोकसभा के बाद 3 तलाक बिल को राज्यसभा में भी पास करवा लिया है। सरकार की सफलता को सामाजिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है और यह मोदी सरकार के लिए ऐतिहासिक कामयाबी का दिन है। टीम इंडिया के विकेट कीपर और पूर्व कप्तान एमएस धोनी आर्मी ट्रेनिंग के लिए कश्मीर रवाना हो गए हैं। खबरों के मुताबिक धोनी यहां क्विटर फोर्स के साथ ड्यूटी करेंगे। फिलहाल उनका प्रशिक्षण आज से शुरू हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अपने पहली बार चुने गए सांसदों को प्रशिक्षण देने के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर चलाने जा रही है। आपको बता दें कि 3 और 4 अगस्त को आयोजित इस शिविर में पार्टी अपने सांसदों को प्रशिक्षण देगी ताकि वे अपने कामकाज और दायित्व का बेहतर निर्वाह कर सकें। दूरसंचार विभाग नकदी की कमी से जूझ रही सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और भारत संचार निगम लिमिटेड के विलय पर काम कर रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक विभाग इन कंपनियों को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। उन्नाव मामले के सुर्खियों में आने के बाद यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को पहले ही पार्टी से निलंबित किया जा चुका है और जब तक इस मामले की सीबीआई जांच चल रही है, विधायक कुलदीप सिंह सेंगर बीजेपी से निलंबित ही रहेंगे। 3 तलाक बिल को लेकर जेडीयू के मुस्लिम नेता और एमएलसी गुलाम रसूल बलियाबी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि जिसे जो कानून बनाना है बना ले, लेकिन मुसलमान वही काम करेगा जो कुरान हदीस शरीयत के कानून में है। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने पूर्व बीजेपी सरकार में हुई अनियमितताओं के खिलाफ कदम उठाते हुए अब प्लांटेशन के लिए करोड़ों की गड़बड़ी के जांच के निर्देश जारी किए हैं। इतना ही नहीं, कमलनाथ सरकार ने पंचायत विभाग में हुई गड़बड़ी के जांच के लिए जांच कमेटी के गठन का भी फैसला किया है। भीड़ प्रायोजित अशोभनीय कृत करने वाले पर रोक लगाने के लिए राजस्थान सरकार ने एक विधेयक विधानसभा में पारित किया है, जिसके तहत इस तरह के मामले में शामिल लोगों को सजा दी जाएगी। सावन के महीने में शिवरात्रि शिव भक्तों के लिए सोने पे सुहागा जैसा होता है और इस कड़ी में उत्तराखंड स्थित नीलकंठ महादेव के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का आगमन लगातार जारी है। आपको बता दें कि इस साल नीलकंठ महादेव में मात्र 12 दिनों में 30 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को 29 जुलाई तक फैमिली आईडी जमा कराने का फरमान जारी करते हुए कहा कि जो भी ऐसा नहीं करेगा उसका वेतन रोक लिया जाएगा। लेकिन इस मामले के तुल पकड़ने के बाद राज्य सरकार ने नाटकीय ढंग से अपना फैसला वापस ले लिया है।
भाजपा सदस्यता अभियान को लेकर झारखंड के छोटे बड़े नेता और कार्यकर्ताओं के बीच फजीहत हो रही है। दरअसल राज्य में भाजपा ने 25 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन अभी तक 22 दिन में अभियान में मात्र 6,95,000 नए सदस्य ही बन पाए हैं। बस्तर के कांकोर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में मुंगेर नाले से उद्गम हुआ तीरथगढ़ जलप्रपात इस समय अपने पूरे सवाब पर है। पानी की तेज बहाव वाली धाराएं जहां मन को रोमांचित कर रही है, वहीं तेज गति से गिरते पानी की आवाज डरा भी रही है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ का नियाग्रा कहलाने वाले चित्रकूट जलप्रपात में बड़ी संख्या में पर्यटक इस खूबसूरत नजारे को देखने के लिए पहुँच रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध चंद्रताल झील के पास अब कैंपेनिंग पर यहां की एक स्थानीय पंचायत ने बैन लगा दिया है। आपको बता दें कि यहां बढ़ती कैंपेनिंग गतिविधियों के चलते इकोलॉजी को नुकसान पहुंचने की वजह से यह निर्णय लिया गया है। पिछले दिनों बॉलीवुड व कला जगत से जुड़े 49 लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था, जिस पर गुजरात के गणमान्य हस्तियों ने सरकार के सबका साथ सबका विकास वाली दृष्टि का समर्थन करते हुए पत्र लिखा है। आपको बता दें कि गुजरात के कला, साहित्य, पत्रकारिता, चिकित्सा व शिक्षा जगत से जुड़ी गणमान्य हस्तियों ने बॉलीवुड के लोगों द्वारा लिखी गई चिट्ठी से असहमति जताई है। महाराष्ट्र के जल संसाधन मंत्री गिरीश महाजन ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस और एनसीपी के 50 से अधिक विधायक भाजपा में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन हमारी भी कुछ सीमाएं हैं, इसलिए हम सभी को स्वीकार नहीं कर सकते। ओडिशा के रसगुल्ला को भारत सरकार के रजिस्ट्रेशन की तरफ से GIT टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन अर्थात भौगोलिक सांकेतिक टैग की मान्यता मिल गई है। आपको बता दें कि ओडिशा सरकार लंबे समय से इसकी मांग कर रही थी। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने राज्य में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा बदलाव करते हुए 7 IAS और 13 KES अधिकारियों के तबादले व नियुक्तियां की है। इसके तहत सांबा की डिप्टी कमिश्नर सुषमा चौहान को जम्मू का नया डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया गया है। असम के सीमा संरक्षण एवं विकास मंत्री चंद्रमोहन पटवारी ने बताया है कि असम के पड़ोसी राज्यों ने फरवरी तक राज्य के कुल 832.67 वर्ग किलोमीटर भूभाग पर कब्जा कर लिया है। इसमें सबसे अधिक 594.90 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर नागालैंड ने कब्जा किया है। तेलंगाना विधानसभा के उपाध्यक्ष टी पद्मा रॉय का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह एक कार्यक्रम के दौरान ड्रम बजा रहे बच्चों के मुंह में नोटों की गड्डी ठूसते दिख रहे हैं। इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने रॉय के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि उनका यह व्यवहार गलत है। ओडिशा के पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर को साफ सुथरा बनाए रखने को लेकर फैसला लेते हुए जगन्नाथ मंदिर प्रशासन मंदिर के भीतर पान के पत्ते और तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया है, जो कि कल से प्रभावी हो जाएगा। आपको बता दें कि इस प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले पर ₹500 का जुर्माना लगाया जाएगा। अहमदाबाद के भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला से सेवानिवृत्त प्रोफेसर एवं वैज्ञानिक राजमल जैन ने दावा किया है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन आने वाले समय में कई बड़ी योजनाओं पर काम कर रहा है, जिसमें मंगलयान, चंद्रयान के बाद अब सूर्य और शुक्र ग्रह और कई योजनाएं शामिल है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से हमारे संवाददाता SP सुखवाल बता रहे हैं कि चित्तौड़गढ़ में गंभीरी नदी के तट पर स्थित खंडेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं ने अभिषेक करने के बाद पूजा अर्चना किया। इस दौरान भक्तों ने महादेव के दर्शन पर मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना की। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से हमारे संवाददाता SP सुखवाल बता रहे हैं कि राजस्थान सरकार द्वारा बजट में बहुत ज्यादा टैक्स बढ़ाने के विरोध में उदयपुर RTO में मोटर मालिकों ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से हमारे संवाददाता आशुतोष बता रहे हैं कि पीलीभीत के बिसलपुर के पूर्ति कार्यालय में काफी समय से दलाली का खेल खेला जा रहा है, जिसको लेकर कई बार शिकायत के बाद भाजपा विधायक रामशरण वर्मा ने जिला आपूर्ति अधिकारी AP सिंह के साथ बिसलपुर के पूर्ति कार्यालय में अचानक छापा मारकर एक प्राइवेट कर्मचारी के पास से DOC 22 राशन कार्ड के फॉर्म के साथ साथ ₹5,590 बरामद किए। बिहार के पटना से हमारे संवाददाता राजेश कुमार बता रहे हैं कि पटना स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय में CM नीतीश कुमार की अध्यक्षता में DMC की बैठक बुलाई गई, जिसमें CM ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति को लेकर चर्चा की।
उत्तर प्रदेश के महोबा से हमारे संवाददाता पुष्पेंद्र तिवारी बता रहे हैं कि महोबा के मंडल अध्यक्ष भरत श्रीनिवास एवं किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष संतोष अग्निहोत्री और वरिष्ठ उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के श्री प्रकाश मिश्रा ने 22 बच्चों को स्कूल में पहुंचकर बैग वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानाध्यापक नरेश कुमार गुप्ता एवं कृति रावत मौजूद थे। तो ये थी सुबह के कुछ ताजातरीन खबरें, और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है, घंटी है, उसे भी दबा दीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप रह सकें अपडेट।